दंगल गर्ल को कश्मीरियों का रोल मॉडल बताने पर विवाद और अब दूसरी दंगल गर्ल के बिकनी पहनने पर बवाल। अलगाववादियों और कट्टरपंथियों की फितरत एक सी ही लगती है, क्योंकि इस बार दंगल गर्ल फातिमा सना शेख ने अपनी बिकनी वाली कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि लोगों ने इस्लाम और रमजान के नाम पर उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये और बात है कि खुद फातिमा की सेहत पर ऐसे कमेंट्स का कोई असर नहीं पड़ा है। दंगल गर्ल फातिमा सना शेख, जी हाँ, वो लड़की जिसने आमिर खान की फिल्म दंगल में अपनी बेजोड़ अदाकारी से पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया। अब इसी फातिमा सना शेख ने अपनी ये दो नई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। लेकिन खबर ये नहीं है कि सना इन तस्वीरों में काले रंग की बिकनी पहने समंदर किनारे लकड़ी की कुर्सी पर बैठी इठला रही है, बल्कि खबर तो ये है कि इन तस्वीरों को देखकर कट्टरपंथियों के पेट में एक बार फिर से दर्द शुरू हो गया है। जी हाँ, कुछ उसी तरह जैसे एक और दंगल गर्ल जायरा वसीम के जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात और उसकी तारीफ पर कश्मीर के अलगाववादियों को शुरू हुआ था। दंगल गर्ल की फोटोशूट से हुआ बवाल, बिकनी वाली तस्वीरें देख भड़के कट्टरपंथी, सोशल मीडिया पर सना शेख पर बरसे लोग, रमजान का हवाला देकर दी नसीहत। फातिमा सना शेख की इन तस्वीरों के बाद सोशल नेटवर्क पर संगदिल लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है और रमजान के महीनों में ऐसी तस्वीरें डालने को लेकर उनकी मजम्मत की जाने लगी है। सना की इन तस्वीरों पर आ रहे इन कमेंट्स को देखकर ही लोगों की सोच और उनकी ज़हनियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मसलन एक शख्स ने लिखा है, रमजान का तो लिहाज करो। वहीं दूसरे ने लिखा है, अरे रमजान है, थोड़ा तो सब्र कर ली होती, क्यों दोजख बना रही हो। और एक शख्स ने यह भी कमेंट किया है कि फातिमा, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं और तुम्हारा फैन भी हूं, लेकिन तुम इस महीने की खासियत जानती हो, तुम रोजा नहीं रखती हो, मत रखो। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम रोजे में थोड़ा परहेज तो कर लो। जाहिर है फातिमा सना शेख की ये तस्वीरें उन लोगों को रास नहीं आ रही हैं जो दुनिया को अपने अलग ही चश्मे से देखते हैं और जिन्होंने ये तय कर लिया है कि उन्हें इस बात का हक है कि वो अपने साथ साथ दूसरों की पसंद और नापसंद भी तय करें। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में दोबारा आमिर खान के साथ नजर आने की तैयारी कर रही हैं। मालदीव के समंदर किनारे खींची गई फातिमा की ये नई तस्वीरें जीक्यू के नए एडिशन के लिए शूट की गई हैं। इससे पहले फातिमा ने कई और मैगजीन के लिए अपनी तस्वीरें खिंचवाई हैं, लेकिन इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर आते ही नया बवाल हो गया है। आज तक ब्यूरो। न्यूड तस्वीरों के बदले लोन दिलाने का झांसा, ये बात सुनकर भी थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन मुंबई में ठगी का जो नया कॉल सेंटर पकड़ा गया है उसकी हकीकत कुछ ऐसी ही है। इस कॉल सेंटर के धंधेबाज अमेरिकियों को लोन दिलाने के नाम पर उनसे ठगी किया करते थे, लेकिन इसमें खास बात यह है कि कई बार वो अमेरिकी लड़कियों से लोन के बदले उनकी न्यूड तस्वीरें और वीडियो तक मंगवाया करते थे। मुंबई में पकड़ा गया ठगी का कॉल सेंटर, आधी रात कॉल सेंटर पर क्राइम ब्रांच का छापा, लोन के नाम पर अमेरिकियों से ठगे लाखों डॉलर, न्यूड तस्वीरों के बदले देते थे लोन का झांसा। आधी रात एक कॉल सेंटर पर पड़े पुलिस के इस छापे से वैसे तो आसपास के ज्यादातर लोग पहले बेखबर थे, लेकिन जब एक एक कर इस कॉल सेंटर की कहानियां निकल कर सामने आने लगी तो हर कोई हैरान रह गया। मुंबई के अंबरनाथ इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में रेकॉन इंटरप्राइजेस के नाम से चल रहा ये कॉल सेंटर दरअसल ठगी का वो अड्डा था जहां से बैठे ठाले धंधेबाज बेगुनाह अमेरिकी नागरिकों को लाखों डॉलर का चूना लगा रहे थे। लेकिन इसी बीच मुंबई पुलिस को एक खुफिया खबर क्या मिली, जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम ने यहां दबिश दी, कॉल सेंटर के नाम से चल रहा ठगी का पूरा धंधा सामने आ गया। इस कॉल सेंटर के लोग सबसे पहले अमेरिकी लोगों का डाटा इकट्ठा करते थे,
फिर उन्हें हजारों डॉलर लोन दिलाने का झांसा देते और कमीशन और प्रोसेसिंग के नाम पर लाखों डॉलर वसूल लेते, लेकिन उनका लोन कभी पास नहीं होता और कई बार लड़कियों से लोन के बदले न्यूड वीडियो और तस्वीरें भी मंगवा लेते। थाने के पास सटे अंबरनाथ में एक कॉल सेंटर पर थाने क्राइम ब्रांच के अफसरों ने गुरुवार रात को छापा मारा। ये छापेमारी शुक्रवार सुबह तक चलती रही और करीब 25 लोगों को हिरासत में लिया गया। कहा जा रहा है कि इस कॉल सेंटर में यूएस नागरिकों को लोन की लालच देकर मुआवजा दिया देकर उन्हें ये जताया जाता था कि उन्हें लोन दिया जाएगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मुंबई और आसपास के इलाकों में ऐसे किसी कॉल सेंटर पर पुलिस का छापा पड़ा है। इससे पहले भी कई बार ऐसी कहानियां सामने आई हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जेल से छूटने के बाद धंधेबाज फिर किसी नए नाम से यही काम शुरू कर देते हैं। इस बार पुलिस ने इस सिलसिले में 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कॉल सेंटर से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सर्वर और दूसरी चीजें बरामद की हैं, जिनमें आपत्तिजनक दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियोस शामिल हैं। और तो और छानबीन में ये भी पता चला है कि धंधेबाज ठगी के लिए कई बार VOIP कॉलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल करते थे, जो हिंदुस्तान में पूरी तरह से गैरकानूनी है। और तो और ठगी के इस कॉरपोरेट खेल में वैसे धंधेबाजों को कॉल सेंटर का मालिक ज्यादा इंसेंटिव देता था, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को चूना लगाने में कामयाब होता था। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।